रविंदर जी, भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई जम्मू कश्मीर आ पहुंची है, कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी इसी रोड से गुजरेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो इतिहास हो गया है कि आज़ादी से पहले महात्मा गांधी इस तरह की यात्रा लेकर के देश को एकत्र करते थे, और आज जब देश में नफरत की हवा है, आज खलबली है, तो एक और गांधी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर आए हैं। इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी ने भी साउथ से नॉर्थ तक नहीं ली थी, लेकिन यात्राएं वो करते थे। शंकराचार्य जी वहां से आए थे और कश्मीर पहुंचे थे, जैसे फारूक साहब ने कहा। तो अब ये दूसरे जी जो बात कही गई थी राहुल गांधी जी द्वारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल आया हूँ, क्या दुकान खुल गई? ये दुकान ही नहीं, बाजार खुल गया है नफरत का खिलाफ, और इतने करोड़ों लोग जुड़ गए, तो दुकान उन्होंने खोली थी, वो एक बहुत बड़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बन गया कि इतनी जनता जो है वो जुड़ रही है। आप देखिए, यहाँ भी जो रास्ते में चलते, मैं तो सुबह से 10 किलोमीटर उनके साथ था, और यहाँ से मैं आगे आ गया, ये OBC के लोग हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, डेफ एंड डम बच्चे हैं जिन्होंने नाम कमाया है, सब किस्म के लोग, गरीब अमीर हर किस्म का आदमी उनको देखना चाहता है। इससे पता लगता है, वो देखिए हजूम कितना है, इससे पता लगता है कि लोग इस आइडिया ऑफ इंडिया को। रविंदर जी, घुटने में दर्द होने के बाद भी राहुल गांधी इतना चले, कैसे हो पाया मुमकिन? ये उनकी हिम्मत है, ये क्रांति लाने वाले, बदलाव लाने वाले क्रांतिकारी लोग ऐसे ही होते हैं, जुनून जिनमें होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, वो कुछ आंधी तूफान नहीं देखते। ठीक है, ये रविंदर शर्मा जी हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक पर्सन, और इनसे कुछ सवाल किए और बड़ा ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया।